दूसरा तो ग्रोस जो है एक नाउन है और उसकी जाति के बारे में बताया जा रहा है, उसके प्रकार के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत सुंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट और ये उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी एडजेक्टिव के रूप में हम नाउन के आगे लगा रहे हैं, बिफोर एन एडजेक्टिव यूज एज नाउन, जैसे कि द इंजर्ड वर गिवन अ फर्स्ट एड, तो नाउन जो भी हम कह रहे हैं कि एक इंसान है उसके आगे मैंने क्या किया, एडजेक्टिव लगा दिया, इंजर्ड मैन एन इंजर्ड वर, तो कोई परे इंसान जो है उसको चोट लग गई है उसके आगे, मतलब किसी भी पर्सन प्लेस या थिंग के आगे आप विशेषता जोड़ देंगे तो हम दा लगाएंगे। नेक्स्ट है किसी भी आप किलो मतलब कोई भी मेजरमेंट यूनिट को यूज कर रहे हैं तो आप दा लगाएंगे, कोई भी रिवर है, ओशन है, कंट्री है, शिप है, आइलैंड है, ट्रेन है, डायरेक्शन है, बिल्डिंग है, तो इन सब के आगे भी दा लगता है, आपके नेशन और कम्युनिटी के आगे भी दा लगता है। एग्जाम्पल आप पेज नंबर 82 से इसको रीड कर सकते हैं। फिर आपका कोई भी न्यूज़पेपर है, बुक मैगजीन्स हैं, उनके आगे भी दा लगता है, या फिर आपके प्रॉपर नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं उनके आगे भी दा लगता है। तो बेसिकली आप ये रीड करना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इसके रूल्स जो है पेज नंबर 81-82 पे हैं, मैंने जो इस क्लास में समझाया ये रूल्स वहीं पर लिखे हुए हैं, आप एक बार रीड करना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। Thank you for watching the video. Have a nice day.